दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि स्मार्टफोन्स अगर यहाँ पर खत्म हो जाएंगे तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? वेल, मैं अपनी खुद की बात पर भी बिलीव नहीं करने वाला, क्योंकि स्मार्टफोन्स लिटरली कहीं नहीं जाने वाले और आने वाले कई सालों तक, इवन डेकेड तक स्मार्टफोन इंडस्ट्री यहाँ पर रहेगी। लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप डिनाई नहीं कर सकते वो ये है कि स्मार्टफोन्स में जितना इवोल्यूशन या इनोवेशन पिछले 15 साल या 20 साल में आया, और पिछले 20 साल के अंदर अंदर जिस तरीके से कंज्यूमर टेक्नोलॉजी को लीड किया है, वो चीज आगे चल के कंटिन्यू नहीं रहेगी। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि एक जमाने में क्या होता था, पहले आपको आपके सीआरटी टेलीविजन देखने को मिलते थे, उसके बाद रेगुलर आपके एलसीडी से रिप्लेस कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत इनोवेशन आता गया और आज के समय में आपको आसानी से 4K क्यूलेट टीवी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक और चीज हुई थी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते थे, फिर लैपटॉप्स का जमाना आया, तब लोगों को लगता था कि लैपटॉप डेस्कटॉप को रिप्लेस कर जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, डेस्कटॉप भी एग्जिस्ट करता है, लैपटॉप भी एग्जिस्ट करता है। इवन जब फीचर फोन के बाद स्मार्टफोन्स आए थे तो लोगों का ये कहना था, यार फीचर फोन हमारे सारे काम कर लेता है, SMS कर लेते, कॉल कर लेते, हमें स्मार्टफोन की क्या जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे उसे अडेप्ट करने लगे और फिर क्या हुआ, फीचर फोन कम होते चले गए, स्मार्टफोन्स का एक जमाना आता गया। लेकिन एक सवाल जानना है कि हर एक टेक्नोलॉजी ने एक चीज को रिप्लेस किया, लेकिन कभी भी कोई भी चीज खत्म नहीं हुई। एग्जाम्पल, फीचर फोन आज भी मौजूद है, यहां तक कि आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन स्मार्टफोन्स की कहानी देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले 5 साल में मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि स्मार्टफोन्स के अंदर 2010 से लेकर 2020 में जितना इनोवेशन हुआ, अब उतना नहीं हो रहा, ना ही उतनी स्पीड से हो रहा है। सिंपल सी बात है कि अब एक नया फोन कुछ भी आता है तो क्या इंप्रूवमेंट होता है? थोड़ा डिस्प्ले इंप्रूव होगा, थोड़ी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, चार्जिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट आएंगे, कैमरास के मेगापिक्सल के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, AI एक बजवर्ड बन के आ गया जहां पे AI के बारे में बात होगी, या फिर 5G के बाद 5.5G होगा, या फिर आने वाले 5 साल में हम 6G की बात कर रहे होंगे। इनोवेशन हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना वो कहां हो रहा है। वो टॉक के सिर्फ 5% फोन्स पे हो रहा है, 95% फोन्स वैसे के वैसे है, सिर्फ बैक पैनल चेंज हो रहा है, डिजाइन चेंज हो रहा है, घुमा फिरा के वही चीज आपको दी जा रही है। लेकिन ट्रू इनोवेशन देखा तो आज मोबाइल फोन से मिसिंग है, और ये चीज मोबाइल फोन के साथ सेल्स में बहुत ज्यादा दिखती है। कहने की बात है कि मोबाइल फोन की सेल्स बिल्कुल प्लेटो हो चुके, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, वहां पर कुछ भी ऐसा नया नहीं हो रहा, और ऊपर से कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कंपनी प्रेडिक्ट करती है कि सेल्स में बूस्ट आएगा, नया प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन सेल्स कई बार टिप कर जाती है, और ऐसा यहाँ पे चलते ही रहता है। और जब स्मार्टफोन स्पेस इतना ज्यादा कंपेटिटिव, इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, और चीजों में इतना ज्यादा नया इनोवेशन जब नहीं आ रहा है, इसी वजह से लिमिटेड कंपनी से लिमिटेड काम होता है, लिमिटेड तरीके से चलती है। लेकिन जब मैं टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टेक के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, तब मेरे को वही दिन याद आता है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले था, जब फीचर फोन यहां पे पॉपुलर हो गए थे, और तब देख के कहीं नहीं लग रहा था कि इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी है, कुछ नया स्मार्टफोन आएगा। लेकिन तभी एंड्रॉइड, आईफोन, इन सब की एंट्री होती है, और वही चीज 2025 से लेकर 2030 के समय में होने वाली है। लेकिन इस बार वो स्मार्टफोन के स्पेस में नहीं होने वाली, वो एग्जैक्टली में होने वाली है स्मार्ट ग्लासेस के स्पेस में। देखो, स्मार्ट ग्लासेस अभी भी कैसी नीच और नई टेक्नोलॉजी है ना, जिसको अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि उसको समझने के लिए, देखने के लिए आपको इसे एक बार यूज करना पड़ेगा, और एक बार अगर आप उसे यूज करने लग गए, उसके बाद पीछे जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मतलब सिंपल सी बात है, फीचर फोन आदमी यूज कर रहा था, उसे लग रहा था स्मार्टफोन वो क्यों यूज करेगा, लेकिन जैसे ही एक बार वो स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो गया, तो क्या वो फिर फीचर फोन के ऊपर जा सकता है? नहीं ना, सेम कहानी वहां पर होगी। और ये चीज मुझे तब समझ में आई जब मैंने रिसेंटली मेटा के AI ग्लासेस जो रेबैन के साथ निकाले, उन्होंने वो यूज करे, और उसे देख के पता चला कि आने वाले 4 से 5 साल है ना, आपके वेरिएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने वाले हैं। और वेरिएबल में मैं रिंग, वॉचेस, इन सब की बात नहीं कर रहा, एक ऐसे गैजेट की बात कर रहा हूं जिसे आप चश्मे की तरह यहां पर पहन सकते हैं, कैमराज हो सकता है, और उससे अपनी एनवायरमेंट के अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जब मैंने मेटा का रेबैन यहां पे यूज किया तो काफी इंप्रेसिव था, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट था जिसके अंदर इतना इनोवेशन, नई नई चीजें आई, और देख के अब ऐसा लगता है कि अगर मेटा जैसी कंपनी अगर यहाँ पे काम कर रही है, तो जो गूगल जब अपना प्रोजेक्ट ऑरा बना रही है, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर एंड्रॉइड XR बनाया, प्रॉपर AR ग्लास बना रहे हैं, जिसके अंदर डिस्प्ले वो डाल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां निकल जाएगी। और इसकी भी झलक एप्पल विजन प्रो के साथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि एप्पल विजन प्रो इतना नहीं चला, लेकिन एप्पल को अभी भी इतना कन्विक्शन है कि आने वाले समय में कंज्यूमर टेक में जो चीज उनको आगे चल के ले जाएगी और आगे चल के बेनिफिट देगी, वो उनके ग्लासेस ही होंगे। इसीलिए ग्लासेस पे वो डबल डाउन कर रहे हैं, मल्टीपल वेरियंट्स बना रहे हैं, कोई AI के साथ होगा, कोई AR के साथ होगा। लेकिन एक बात है कि मोबाइल फोन को रिप्लेस नहीं करेंगे, मोबाइल फोन के साथ पेयर अप होंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। इवन देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी रहेगी कि जब ये प्रॉपर तरीके से मैच्योर और मेन स्ट्रीम होगी,
तो बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाली है। हालांकि इस तरीके की क्लेम्स रैबिट के आर1 और ह्यूमन एआई पिन के साथ भी करे गए थे, लेकिन वो प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी के अंदर सूटेबल नहीं थे और अपने जमाने से थोड़े से ज्यादा आगे के लग रहे थे, इस वजह से वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर जब बैट ले रही है तो हाँ यार, वहां पे कई सारी चीजें हो सकती है। और सिंपल सी बात है कि स्मार्टफोन स्पेस को कुछ नहीं होने वाला, स्मार्टफोन आगे भी ऐसे चलते रहेंगे, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता रहेगा, लेकिन जो क्रेजी और मेजर इनोवेशन वाली चीजें होंगी तो वो शायद दूसरे डायरेक्शन में होंगी। इवन रिसेंटली शाओमी ने भी अपने एआई ग्लासेस को इंट्रोड्यूस किया, ओप्पो ने भी अपना एक एआर ग्लास यहां पे दिखा चुकी है, और हर एक कंपनी मार्केट में अपने यूजेबल प्रोडक्ट्स को अब लाना शुरू कर चुकी है। और अगर ट्रेंड देखे तो धीरे धीरे ये जो आंकड़ा रहेगा सेल्स का, वॉल्यूम का, शिपमेंट का, बहुत तेजी से इंक्रीज होता रहेगा और आने वाले 5 साल इसी के अंदर ही कहीं नहीं जाने वाले। AI और वेरिएबल टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे आपको ट्रू इनोवेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और शायद जब लोग एक बार इसको यूज करना शुरू करेंगे तो जैसे लोग स्मार्टफोन से वापस फीचर फोन पे नहीं जा पाए, शायद ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या, यानी कि आने वाले 5-6 साल की मैं बात कर रहा हूँ, एक विजन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हो रहा है, लेकिन स्मार्टफोन स्पेस के अंदर क्या? देखो, स्मार्टफोन स्पेस में नई चीजें होंगी, इंप्रूवमेंट होंगे और कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलता रहेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा जल्दी नहीं होगा, उसके अंदर धीरे धीरे यहाँ पर टाइम आएगा। उसकी जगह अब यहाँ पर यह होगा कि स्मार्टफोन के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी वो टेक्नोलॉजी आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, मोबाइल फोन बनाने के अंदर जो चिप्स यूज हो रही थी वो आज के समय में आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है वहां पे यूज हो रही है। एडास जैसे फीचर्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कार्स के अंदर और क्रॉस शेयरिंग हो रही है टेक्नोलॉजी की, वो है यहाँ पे। यहाँ तक कि ईवी के लिए जो बैटरीज के अंदर जब इनोवेशन की बारी है तो वही इनोवेशन उठ के आपके मोबाइल फोन के अंदर आ रहा है, और मोबाइल फोन के अंदर कोई नई चीज आ रही है तो वही एआई की चीज उठ के आपके लैपटॉप के अंदर जा रही है। इस तरीके से एक कनेक्टेड यहाँ पे चीजें चल रही है, यानी कि अब एक ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन के मेगापिक्सल या इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, चीजें इंप्रूव होंगी और बेटर होंगी, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होगा ना अक्रॉस ऑल द बोर्ड देखने को मिलेगा। इवन आपके टीवी के अंदर भी चीजें होने वाली है, आपकी वॉचेस के अंदर भी चीजें होने वाली है। इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जो वेव होगी इनोवेशन की वो देखने को मिलेगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि स्मार्टफोन का स्पेस जो रहेगा ना वो कंपेटिटिव भी रहेगा, कुछ कंपनीज भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, कुछ कंपनीज और मार्केट से आउट भी होंगी और कई सारी कंपनीज में रेस ज्यादा चलेगी। लेकिन बात है कि कई सारी कंपनीज आने वाले समय में स्ट्रगल भी बहुत करेंगी, यानी सिंपल सी बात है कि अब जब मोबाइल फोन पहले से ज्यादा बेटर हो चुके हैं, इंप्रूवमेंट आ चुका है और लोग अपने फोन को लंबा चला रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि एक फोन को लोग 10 साल तक भी यूज कर पाएंगे। यस, आने वाले समय में ये चीज बिल्कुल ट्रू होने वाली है। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी ऐसा फोन यहाँ पे पहले निकालती है इसे 10 साल तक लोग यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि लिटरली 10 साल तक अगर यूज कर रहे हैं तो लोगों से बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही, टेक्नोलॉजी उस लेवल पे यहाँ पे जा रही है। लेकिन यहाँ पे बाकी में सवाल आता है, क्या मोबाइल फोन्स के साथ अब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होगा? कम होगा यहाँ पे। यहाँ तक की बात किया तो मोबाइल फोन में जो असली जो जंग होगी ना अब आने वाले समय में प्रीमियम कैटेगरी के अंदर होगी, जो टॉप की 5% कैटेगरी रहती है, क्योंकि इंडिया के अंदर 10,000 से लेकर 30,000 तक ऑलमोस्ट 70% मार्केट है और 30,000 के बाद का मार्केट जितना ज्यादा छोटा होता जाता है ना वहीं पे मजा आता रहता है, क्योंकि वहां पे कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी नए नए फीचर्स को इंप्लीमेंट करती, चाहे कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, कुछ भी नया इनोवेशन हो गया, वहां पे आपको नई चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन जो 95% ऑफ द मार्केट होगा ना वो वही रिपीटेड यहाँ पे चलता रहेगा। तो खैर, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है, चीज इस तरीके से मूव करने वाली है। और ये बात भी इग्नोर नहीं कर सकते कि स्मार्ट ग्लासेस एक ऐसी कैटेगरी होगी जो आने वाले फ्यूचर में कंज्यूमर टेक को लीड करेगी। तो दोस्तों यार, ये कुछ होने वाला है स्मार्टफोन के स्पेस में और आने वाले कंज्यूमर टेक के स्पेस में। अभी जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, लेकिन मार्केट में अब नए प्रोडक्ट की जो एंट्री होगी वो यहाँ पे शुरू होने वाली। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।